तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है कुदरत का, एक नेचर का एक ऐसा लॉ है जो हर जगह काम करता है और ये ग्रेविटी से परे है, ये हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक चीज़ों से परे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस लॉ के मुताबिक हिंदी पिक्चर में आपने सुना होगा, शाहरुख खान ने कहा है कि किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल बहुत सारे विद्वानों के बीच एक झगड़े भी चलते रहते हैं, कुछ लोग जो शास्त्रों के अनुसार मानते हैं, कुछ साइंस को मानते हैं, अक्सर उन दोनों के बीच में टकराव होता है और सब लोग अपने अपने तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की व्याख्या करते हैं। मैं इसको एक सिंपल सी भाषा में कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम है डिजायर। डिजायर जो होती है उसको कहते हैं इच्छा, चाहत। ये लॉ आपके लिए तभी काम करेगा जब आपकी चाहत मजबूत होगी। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम जो चाहें, मैं आपको आज कोई जादू की बात नहीं बताने वाला हूँ, कोई मैजिक की बात नहीं बताने वाला हूँ, कोई चमत्कार की बात नहीं बताने वाला हूँ। जो मेरे साथ घटित हुआ है और जो हर एक सक्सेसफुल इंसान के साथ घटित हुआ है, मैं उसके लिए बताता हूँ। पावर ऑफ प्री प्ले, इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने आप लोगों को मीटिंग में दिए हैं। पावर ऑफ प्री प्ले यानी जो आप बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो भविष्य में, कुछ ना कुछ बनना चाहते हो आप लोग, जो भी आप बनना चाहते हो भविष्य में, क्या उसकी झलकियां आपको मिलती हैं? इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये नेचर हमारे लिए वो सारी साजिशें करती है, जैसे शाहरुख खान ने कहा था, नेचर फिर वहां पे साजिश में लग जाती है। हमारी चाहत जितनी स्ट्रांग होगी किसी भी चीज को पाने के लिए, वो नेचर पूरा वर्क करने लगेगा कि हम उस चीज को कैसे पा सकते हैं, कैसे हम उस सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, कैसे मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ चला जाएगा, कैसे मेरा बैंक बैलेंस 10 साल बाद 20 साल बाद 20 करोड़ की चली जाएगी। ये कुछ नहीं होगा, सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तभी काम करेगा जब आपकी चाहत इतनी ज्यादा मजबूत, इतनी ज्यादा चीजें हैं, वो सब चीजें चाहतों का खेल है। सारी चीजें चाहतों का खेल है, चाहतों का असर है और सब चीज चाहत पे टिकी हुई है। चाहत का मतलब ये नहीं है जिसको आप दूसरे सेंस में ले जा रहे हैं। अगर आप उस सेंस में ले जा रहे हैं तो वो भी एक हद तक सही है, लेकिन वो दूसरे जगह सही है। चाहत का मतलब ये होता है कि जो आपकी चाहत है, अगर वो चाहत मजबूत है तो सारी सृष्टि, बाइबल में जो कहा गया है, गीता में जो कहा गया है कि सारी सृष्टि आपके लिए फिर वर्क करेगी। ये सारी चीज़ें एक वेव के माध्यम से बनी हुई है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो वेव जा रही है आपके पास। जो आप करते हो वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में वो रिकॉर्ड होता है। जो भी हम करते हैं एक अपना फुटफॉल हर जगह छोड़ते हैं, अपने पद चिन्ह को हर जगह छोड़ते हैं। जो हमारे विचार होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। जैसे जो भी कंप्यूटर में गीगाबाइट आप कह लो, मेगाबाइट कह लो, मेगाबाइट के रूप में ये सारी चीज़ें स्टोरेज होती हैं, उसी तरीके से आपकी चाहते भी स्टोरेज होती है, जो भी हमारी डिजायर है। सवाल सच फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या हमारी चाहत उतनी मजबूत है, क्या हम जो पाना चाहते हैं क्या वो सच्चे में वो वैसा है। अगर ऐसा जिस दिन आपने समझ लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज आप अपने काम में कैसे कर सकते हो, उस दिन आपको दुनिया में कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोकेगी।